मैं खुशामदी कहता हूँ आपको आज के व्लॉग में। आज दिन है हफ्ते का और तारीख है गालबन 24 अगस्त। इस टाइम हम दोनों भाई सांगर से जा रहे हैं कराची अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम टाइम हुआ है सुबह के तकरीबन 9:15 और हम लोग सांगर से कराची के लिए अभी निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज की सांगर टू कराची जर्नी को देखना मत भूलें बिल्कुल भी, जो व्लॉग है उसे स्किप ना कीजिएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके गॉट इट। तो झोल क्रॉस करने के बाद जब हम टंडोलम की तरफ मूव ऑन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं साइड पे एक दरख्त आता है जिस पर बहुत ज़्यादा शलवारें टांगी हुई, ये देख सकते हैं। अब इस दरख्त को शलवार वाला दरख्त भी कहा जाता है या अब इसका क्या वजह है वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएँ। और इसके बाद हम लोग चाय पीने के लिए जाम शोरों के बाद एक होटल पे जा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग सुपर मदीना पे रुकते थे लेकिन अब सुपर मदीना की चाय का जायका नहीं रहा, तो अब पता नहीं क्या हुआ है कि उनकी चाय किसी काम की नहीं होती, जबकि चाय भी 120 की है लेकिन वो किसी काम की नहीं है। उसके बाद ये एक सुपर मदीना से बिल्कुल साथ में एक जुल्फ़कार होटल है, जुल्फ़कार रेस्टोरेंट, इनकी चाय है जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और 120 रुपए का कप है जो बड़ा बेहतरीन है। साथ में फैसिलिटीज़ भी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, स्टाफ भी इनका अच्छा है। इसके बाद हम लोग तकरीबन DHA के करीब पहुंच गए हैं और सामने आप लोगों को अब नज़र आएगा शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कि इमरान खान साहब ने कैंसर का एक हॉस्पिटल बना रहे हैं कराची में, जिसकी जो बिल्डिंग है वो तकरीबन कम्प्लीट होने वाली, रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो ये है शौकत खानम हॉस्पिटल DHA, जो आप जैसे ही DHA को क्रॉस करेंगे साथ में मेन रोड पर ही आपको ये शौकत खानम हॉस्पिटल मिल जाएगा जो बहुत है। उसके बाद हम लोग कराची से जब वापसी पे निकले हैं तो ये है ग्लोबल पैलेस, ये मेन हैदराबाद रोड पर एक होटल है हैदराबाद में जो नया बना है, जो बड़ा बेहतरीन होटल है, 5-स्टार होटल है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कबाब चीज़, ये सामने है कबाब चीज़। कौन कहता है कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है, पैसा देखना है तो हैदराबाद और कराची के जो हाईवे वाले होटल्स हैं इनको आगे देखें। माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ थी और अल्हम्दुलिल्लाह से लोग यहाँ पर खा रहे थे, कितना बड़ा है कबाब चीज़। तो सब कमेंट बॉक्स में बताएँ कि किस किसने कबाब चीज़ का अब तक खाना खाया है। अल्लाह हाफिज़।